वाराणसी ब्रेकिंग। वाराणसी में बदमाशों के हौसले बुलंद, एक दिन में दूसरी बार चली गोली। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगातार बेखौफ नजर आ रहे हैं अपराधी। ताजा मामला प्रकाश में आया है थाना लंका के अंतर्गत, जहां देर शाम अपराधी लंका पुलिस को चुनौती देते हुए एक अज्ञात युवक पर फायरिंग कर मौके से फरार हुए। ज्ञात हो कि आज सुबह की ही चौबे फुटाना अंतर्गत दो लोगों को आपसी रंजिश की वजह से भी गोली चलाया गया। वाराणसी में एक दिन में दो दुस्साहस करने वाली घटना के बाद काशीवादी डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। जबकि मिस्टर परफेक्ट के नाम से जाने जाने वाले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी अमित पाठक की टीम पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। एक दिन में दो हमला लंका क्षेत्र में बदमाशों ने मारी गोली। मनमनापुरी में बदमाशों ने 42 वर्षीय युवक को मारी गोली। घायल अवस्था में युवक को ट्रॉमा सेंटर से करवाया गया भर्ती। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया पुलिस के हवाले। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र का मामला। आज सुबह चौबेपुर में दबंगों ने पत्रकार व उसके बेटे पर चलाई थी गोली। हिरासत में जो लिया गया व्यक्ति, उसका क्या नाम है? अभी पूरी जानकारी हम कर रहे हैं, बाकी और जो लोग भी इस घटना से संबंधित रहे हैं, जिनका आपस में विवाद था, उन सारे लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। जहाँ पे घटना हुई है वहाँ के लोगों से भी बातचीत की जा रही है, और जो फैक्ट निकल करके आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।